रेस्टोरेंट से आप स्टार्ट करें, रेस्टोरेंट से स्टार्ट करो कि अंदर से, अंदर से कुछ ज्यादा नहीं वहाँ, बहुत ज्यादा अंदर से हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो खैर हम लोग आए हुए थे सबसे मार्केट, आज की शुरुआत नाश्ते से होगी, कल तीनों साथ नहीं ना, कल तो हम लोग आज हमने नाश्ता करना है, कल हमने नाश्ता नहीं किया था, कल डायरेक्ट लंच किया था, डायरेक्ट लंच। अभी वैसे टाइम लंच का हो रहा है, लेकिन हमने करना है नाश्ता हलवा पूरी का। हमने पिछली दफा भी जब मिला था हलवा पूरी का नाश्ता नहीं किया था, सोचा था। लेकिन चाय पराठा कर लिया था, बट राइट नाउ अभी जमजम मार्केट हलवा पूरी का नाश्ता। जमजम मार्केट इंगलवुड में ढाबा टाइप है, शशकेरी है, लेकिन सारे पैसे उस खाने के और हलवा पूरी के। जो बात, ढाबे में ही तो शशके होते हैं। देखिए ऐसे ही थोड़ी, ताली दो ये। अच्छा भाई, यहाँ की मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे आपको फ़ोन से ऑर्डर करना पड़ता है। आप यहाँ आके ऑर्डर दोगे ना तो दो तीन घंटे, मतलब इतना रश होता है यहाँ पे टू गो ऑर्डर्स का, मज़े की बात है। आपको आधे घंटे पहले एटलीस्ट ऑर्डर देना पड़ता है आने से पहले, बट आप यहाँ होगे तो वही दो तीन घंटे निकल जाएंगे। तो हमने आने से पहले ऑर्डर दिया। बिजनेस मीटिंग टाइप लग रही है ना। थैंक यू, ओके, क्यों देने मैंने आपको एक्सचेंज का? नहीं नहीं करने एक्सचेंज, फजूल में एक्सचेंज, ऐसे ही कैंसिल। ओके पैदा नंगा मैं हुआ तो इसमें काहे की शर्म, आटा मुझको मिला गिल्ला, रोटी मुझको नरम। चल निकल, चल निकल, हो चल निकल, चल निकल। नाश्ते की ट्रीट बासित भाई की तरफ से थी, बहुत अच्छी थी। कुल्फी भी बासित भाई ने पे कर दिए, थैंक यू बासित भाई, थैंक यू। कुल्फी अच्छी है, लेकिन अच्छी है, मिलती है ब्लूमिंगटन में? ब्लूमिंगटन में मिलती है हाँ भाई, मिलती है गोना पार्क में मिलती है। Where are we at? हम सैंटा मोनिका में, सैंटा मोनिका। यहाँ पर हम जाएंगे पियर पर। मैं अपने शेड्स लाना भूल गया, तो शहजाद भाई के ये स्नैप स्पेक्टिकल्स बस स्पेक्टिकल स्पेक्टिकल्स बस हमने बोरो किए। ये क्या कर रहे हैं पापराट्सी? ये दोनों मुझे अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी, और हम पापराट्सी बने, सेलिब्रिटी बन चुके हैं अभी, बस सेल्फी लेने की लोगों को दे रहे, और सिग्नेचर और ऑटोग्राफ्स, और कितनी बात करूँ और मैं। By the way, Santa Monica Beach में एक छोटा सा मिनी थीम पार्क टाइप बनाया हुआ है, जहाँ पे पीछे फेरिस व्हील भी है, रोलर कोस्टर्स भी हैं, बहुत सारी राइड्स भी हैं, और फिर ये गेम्स भी खेलने के लिए मिलते हैं। तो दैट्स वन गुड थिंग अबाउट सांता मोनिका पीर, तभी इतना रश भी हो रहा of retirement after 2 years. जी बासा भाई, हाँ जी, अच्छा आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? मेरे को अच्छा लग रहा है। मुझे बताऊँ कैसा लग रहा है? हाँ जी, बेस्ट वाइब्स, एकदम एडवेंचरस वाइब्स, एडवेंचरस वाइब्स। हाँ, आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने मुझे नाश्ता नहीं देखा।
जल्दी आओ। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, सिर्फ इतना बता रहा हूँ, मैलबू बीच है, मैं सनसेट मिस हो रहा है, ज़्यादा बात करूँगा तो मिस हो जाएगा, और मुझे ड्रोन शॉट्स भी लेने बस। हाँ भाई, तो दिस इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस डिस्कवर लॉस एंजलिस सीरीज। डिस्कवर अभी आने वाले बहुत सारे और डिस्कवर सीरीज, लेकिन दिस इज़ आवर लास्ट एपिसोड। बासित भाई जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें बासित भाई को अलविदा कहना पड़ेगा आफ्टर दिस। अभी हम आए हुए हैं मेगा पिज्ज़ा ग्रिल। मेगा पिज्ज़ा ग्रिल कल्वर सिटी में है। इट इज़ हलाल Which is important. A halal pizza place, जो बहुत कम है एक्चुअली मेरे मुताबिक, सिर्फ दो हैं। एक तो बहुत दूर है, दूर मतलब इट्स इन द वैली, और फिर एक कल्वर सिटी में। तो वी चोज कल्वर सिटी एंड वी केम हियर लास्ट टाइम, पिछली दफ़ा जब बासित भाई आए थे, लेकिन हम इतना थके हुए थे ना तीनों कि हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था हॉलीवुड हाइक के बाद। तो विल मेक श्योर टू एक्चुअली यू नो हैव दिस वन इन द व्लॉग, इंशाल्लाह। और क्या कहना है, और और हाँ, खाना देखो। किसने सोचा था कि तीन लड़के जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से, वो लॉस एंजलिस में आके मिलेंगे और गैंग बनाएंगे। और कोई मतलब ऐसा वैसा गैंग नहीं, मोहब्बत गैंग, अ गैंग फुल ऑफ लव। एंड या दिस इज इट, यहाँ मोहब्बत गैंग रीयूनियन की होती है इंतहा। वैसे तो आई एम श्योर हम तीनों आगे और मिलते रहेंगे, लेकिन ये वाली मेमोरी स्पेशल रहेगी। बासित भाई को हमने शहजाद भाई का मिशन लॉस एंजलिस भी दिखा दिया, और हाँ वचन ले लिया इस दफा कि अगला मिशन एलए जैसे ही आए फौरन देखना। और आई हैव टू से कि इस रियूनियन को मैं बड़ा मिस करूंगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम। कहा सब दोस्तों ने कागज की पत्तियों से फूल बनते। हाँ भाई, तो सेठ साहब एक्चुअली अपना बीइंग काइंड प्रोजेक्ट का मैसेज रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया, इवन दो आई एम सेठ साहब जस्ट इस कार्टून वर्जन। एनीवेज, तो आज का मैसेज बीइंग काइंड प्रोजेक्ट का ये है कि अगर आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम मिलता है इन्जॉय करने के लिए, अपने यू नो फैमिली के साथ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ, तो मेक श्योर कि उसको भरपूर तरीके से इन्जॉय करो, क्योंकि शायद ये टाइम वापस आए ना आए। या yeah.